यहाँ पे अपनी ये जो ट्रेड थी वो भी विन हो चुकी है। सो आपको इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। और सेकंड इज कंडीशंस, क्योंकि बिना कंडीशन को जाने आप अगर उसको कहीं भी प्लेस करोगे तो आप उस ट्रेडिंग कलर पैटर्न से विन नहीं कर पाओगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर शिफू। सो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज़ जिसमें मैं माय वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज़ या कलर पैटर्न्स को प्रॉपर और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इन कलर पैटर्न्स को मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, जिनसे मैं मंथ का टारगेट मेरा अचीव कर लेता हूँ। सो ये स्ट्रेटजीज़ और कलर पैटर्न्स मैं आपको इसी सीरीज़ में बताऊँगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड जॉइन माई ट्रेडिंग फैमिली। सो अब हम बात करते हैं कि वो कलर पैटर्न है कौन सा जिसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। सो इसमें आपको दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ कि वो जो कलर पैटर्न है वो कौन सा है, और सेकंड इज़ कंडीशंस, क्योंकि बिना कंडीशन को जाने आप अगर उसको कहीं भी प्लेस करोगे तो आप उस ट्रेडिंग कलर पैटर्न से विन नहीं कर पाओगे, मतलब आप ट्रेड विंस नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपको लॉस भी लग सकता है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को डिटेल में और पूरा वॉच करें। सो अब सबसे पहले मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ, और अगर वो लाइव मार्केट में बनेगी तो अपन लाइव मार्केट में भी ट्रेड करेंगे। सो ऑटो स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देता हूँ, देन अब मैं आपको वो कलर पैटर्न बताता हूँ। सो आपको सबसे पहले जिस मार्केट को फाइंड करना है वो है एक स्टेक मार्केट। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट ना ज़्यादा ऊपर गया है और ना ज़्यादा नीचे गया है, मतलब यहाँ पे हर एक दूसरी कैंडल ऑपोजिट बन रही है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट रेड बनी, देन सेकंड ग्रीन, देन फर्स्ट रेड, देन सेकंड ग्रीन, और यहाँ पे हमारा कलर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है जो मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। सो इन पांच कैंडल्स को आपको देखना है जो एक स्टेक एरिया में फंस चुका हो। या आपको अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये जो एक वीक रेड कैंडल है इसके अंदर अगर इतनी सारी कैंडल्स आ रही है, इसी में अपन को ट्रेड प्लेस करना है। जैसे फर्स्ट कैंडल बनी अपनी रेड, देन सेकंड बनी ग्रीन, देन इसके बाद में अगर कंटिन्यू दो कैंडल रेड की बने तो अपन को नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे ग्रीन पे प्लेस करनी है, और जिससे कि आप अपनी ट्रेड को विन कर पाओगे। सो अगर लाइव में भी ये बनेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, और मैं आपको एक बार ये प्रॉपर वापस बता देता हूँ। सो आपको मार्केट में एक स्टेक एरिया को फाइंड करना है जो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे बार बार कैंडल्स अपना कलर चेंज करे। इसके साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अगर एक कैंडल के अंदर, जैसे ये सारी कैंडल्स इस एक बड़ी ग्रीन मतलब रेड कैंडल के अंदर बन रही है, सो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें भी आपकी विनिंग रेशो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेक एरिया ही है। सो यहाँ पे इस रेड कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल्स आ चुकी है, सो अब अपन इसमें अपनी जो कलर पैटर्न है उसको फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट एक रेड कैंडल बनी, देन सेकंड एक ग्रीन, देन बैक टू बैक दो रेड, और इस कैंडल पे अपन को ट्रेड प्लेस करना है जो एक ग्रीन कैंडल बनी है। सो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे भी इसने वर्क किया है, ग्रीन देन रेड देन बैक टू बैक दो ग्रीन, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी जो यहाँ पे नेक्स्ट में बनी है। सो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको इस स्ट्रेटजी में मार्टिंगल का यूज़ करना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्टिंगल का यूज़ करना चाहिए अगर आपके लॉस लगे तो। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम में आपके लॉस लगेगा नहीं, उसके लिए भी एक सीक्रेट ट्रिक्स है जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। सो जब भी आप ट्रेड करने बैठो उससे पहले आपको पास्ट ऑफ द मार्केट, मतलब जैसे आपने इस टाइम पे मार्केट ओपन किया है, तो इस टाइम पर आपने मार्केट अगर ओपन किया है तो आपको फाइंड करना है कि आप थोड़ा सा पहले इस मार्केट में जो स्टेक एरिया बन चुका हो, सपोज़ ये एक स्टेक एरिया बन चुका है, सो इसमें आपको फाइंड करना है कि इस कलर पैटर्न ने वर्क किया है या नहीं। अगर इस कलर पैटर्न ने इस स्टेक एरिया में वर्क किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो स्टेक एरिया बनेगा उसमें भी ये कलर पैटर्न वर्क कर सकता है, और अगर इसमें इसने वर्क करने में मार्टिंगल को
लिया है तो आपके जो स्टेक एरिया अब बनने वाला है उसमें भी वो मार्टिंगल को यूज़ कर सकता है। सो यही है वो कंडीशन। और अब अगर लाइव मार्केट में कोई ट्रेड मिलती होगी तो मैं आपको ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे अपन को फाइंड करना है, ये देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेक मार्केट है, पर ये एक पूरा स्टेक मार्केट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैंडल का मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो रहा है, जिससे कि अपन ट्रेड करेंगे तो लॉस होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक करेक्शन मूव में बढ़ रहा है। आप जैसे देख सकते हो मार्केट पहले यहाँ पे डाउन आया, देन थोड़ा सा पुल बैक दिया, देन वापस डाउन। अब इसने यहाँ तक का वापस पुल बैक दे दिया है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से मार्केट डाउन भी जा सकता है। सो अपन रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे, एज ए न्यू ट्रेडर की तरह अपन ट्रेड करेंगे। सो अगर आप देखोगे तो अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक स्टेक एरिया है, लेकिन एज ए न्यू ट्रेडर आपको इन मार्केट मूवमेंट्स को भी छोड़ना है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। सो मैं यहाँ पे और भी चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि अपन ट्रेड को फाइंड कर सकें। और ये जो कलर पैटर्न है ये हर मार्केट में वर्क करता है, चाहे वो OTC हो, स्टॉक्स हो या कमोडिटी मार्केट हो। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारे इस कलर पैटर्न ने प्रॉपर वर्क किया है, जैसे फर्स्ट ग्रीन, फर्स्ट रेड, देन सेकंड ग्रीन, देन बैक टू बैक दो रेड, देन फिफ्थ पे ग्रीन। सो इस पे मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है इस कलर पैटर्न पे, और मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ उसी को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इन सब को मैं मेरे कैंडल रीडिंग और साइकोलॉजी वाले वीडियोस में भी अप्लाई करता हूँ, सो आप उन वीडियोस को जाके भी वॉच कर सकते हो। सो यहाँ पे अपन को ट्रेड प्लेस करना है पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। सो अब मैं वीडियो को वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मुझको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो यहाँ पे बहुत फाइंड करने के बाद में अपन को ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक पैर बनता हुआ दिखा तो है। अब अगर ये एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो अपन डाउन के साइड में एक ट्रेड प्लेस करेंगे। सो 3, 2, then 1। सो अपन ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी है। सो अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है वो देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटजी को प्रॉपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के अंदर आप देखोगे तो ये तीनों कैंडल्स इन ग्रीन कैंडल के अंदर ही आई है, दैट्स वाई यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये अपने क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। सो आपके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड बने तो आपको प्लेस करना ही चाहिए। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है वो देखते हैं। और ऐसे ही और कलर पैटर्न्स मैं लेके आने वाला हूँ, सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक भी कर दो। सो यहाँ पे 8, 7, 2, then 1। यू कैन ईजिली सी यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर भी था अगर अपन कैंडल रीडिंग के अकॉर्डिंग देखें। सो अब मैं अगर आपको बताऊँ कैंडल रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इस कैंडल में जो ये अभी फॉर्म हुई थी, अगर आप वीडियो को बैक में देखोगे, सो यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है जिस कारण यहाँ पे ये तीन ट्रेड्स दिखा रहा है, लेकिन अपन ने यहाँ पे एक ही ट्रेड ली थी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बाइंग प्रेशर था, लेकिन जो सेलर थे वो इस कैंडल पे इतने ज़्यादा अग्रेसिव थे, जिससे कि उन्होंने मार्केट को यहाँ पे डाउन ही लेके आए, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी वो डाउन बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी बाइंग प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको इस कैंडल में भी बोला था, बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सब यहाँ पे क्या रिज़ल्ट होता है वो देखते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे बाइंग प्रेशर कितना ज़्यादा था, जो यहाँ पे इस कैंडल को पूरा ऑब्जर्व कर लिया, और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
सो अगर आपको ऐसे ही एडवांस नॉलेज चाहिए तो आप मेरे कैंडल रीडिंग के वीडियो जाके देख सकते हो, और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, और एक लाइक ज़रूर कर देना, और जिस भी आपको टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उस पर एक कमेंट ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे भी अपन एक ट्रेड ले सकते हैं, सो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके देखता हूँ कि रिज़ल्ट क्या होता है। सो यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी वर्क करनी चाहिए। सो अगर ये इसका ब्रेकआउट दे देगा तो अपन ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया है जिसके अंदर ये सारी कैंडल्स हैं। सो ब्राउन, सो यहाँ पे अपन एक ट्रेड प्लेस की तो है, अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे अपन को ट्रेड प्लेस करनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसमें बाइंग का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा था, पर एज़ पर अवर कलर पैटर्न स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दी है। सो इसका रिज़ल्ट कुछ भी हो अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन ने जो कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी थी उसको देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है। सो यहाँ पे मैंने आपको जो बोला था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी, वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है। सो अपन अपनी इस कलर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अपन ने ट्रेड प्लेस की है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बायर भी यहाँ पे और कम कर रहे हैं। सो आपको इस मार्केट में ट्रेड नहीं करना है जो यहाँ पे आपको अभी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। सो आपको इस मार्केट को प्लीज़ हो सके तो अवॉइड करना है। सो यहाँ पे अपनी ये जो ट्रेड थी वो भी विन हो चुकी है। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।